मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा के शंकर मंदिर तालाब का काम करने को लेकर राजनीति अब खूब हो रही है। ये मानिए कि शंकर मंदिर तालाब अब राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है। काम का क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर इस कदर से होड़ मची हुई है कि एक दूसरे से टकराव भी हो रहा है। आपको बता दें कि सालों से इस तालाब का काम रुका पड़ा हुआ है, मगर अब छठ पूजा जब नजदीक आई है तो एक बार फिर राजनीति चमकाने के चक्कर में एक तरफ से रिदा रशीद तो दूसरी तरफ से पल्लवी शिवा जगताप तालाब का काम करने के लिए आपस में उलझ रहे हैं। और आज तो तालाब के काम को लेकर इस तरह से माहौल बन गया कि यहां पर दो बार पुलिस को बुलाना पड़ा। आखिरकार दोपहर बाद यहां पर खुद विधायक जितेंद्र आव्हाड ने तालाब पर विजिट किया। इस दौरान तालाब का निरीक्षण करने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि तालाब के किनारे जिस तरह से महिलाओं की मांग है कि सीढ़ियां बनाकर दी जाए और वो ताकि तालाब में उतर सके, और भी जो बाकी के आधे अधूरे काम हुए हैं इन सभी को बनाकर छठ पूजा के बाद में दिया जाएगा। यानी कि विजिट के दौरान जितेंद्र आव्हाड ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी काम बाकी है वो छठ पूजा के बाद में करके दिया जाएगा। वहीं तालाब के काम करने को लेकर हो रही राजनीति पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही कौवे काव काव करने लगते हैं। जितेंद्र आव्हाड ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देंगे। तो मुद्दा काफी गर्माया था उसको देखते हुए आपने यहाँ पे विजिट किया, क्या सर क्या सर्वे का क्या बताएं कि शशि किधर है? जी सर, ये कोई गर्माया बिरमाया नहीं था। ये 2014 तक ये पानी कैसा था ये पूरा इस इलाके को मालूम है? कुछ था ही नहीं। उसके बाद मैंने करोड़ों रुपए दिए थे तब जाके ये खूबसूरत दीवार बनी है, लेकिन कुछ लोगों ने बाहर का जो कॉन्क्रीटीकरण था वो कॉन्ट्रैक्टर ने किया नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन लगा रहा हूँ, लगने जा बाकी अंदर का काम जो है दीवार का वो अच्छा बना। अब छठ पूजा के ये लोग जो है उन लोग बोल रहे हैं कि हमको पानी में टप्पे चाहिए ताकि हम पानी में स्नान कर सकें। जी सर, आज की तारीख में पानी में उतरना खतरे से कम नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आठ फुट नीचे है। जी, तो हो सकता है कि तुम उतर गए और तैरना नहीं आता होगा तो गया। तो अभी उनकी मांग है और उनको मैंने कहा है कि मैं तुमको पैसे दूंगा, उन्हें छठ पूजा आयोजन समिति को, और आप खड़े रह के वो टप्पे बना के ले लेना, बाकी कोई काम नहीं। महिलाएं बोल रही है कि सर जब नहीं बना था तो तालाब में उतरने मिल रहा था, तालाब बन गया उसके बाद से हमें उतरने ही नहीं मिल रहा। ऐसा है कि तब तक ये खुला था, कोई भी आके जा सकता था। कोई भी ऐसी चीज़ को एक संरक्षण दीवार चाहिए ही। जैसे कौसा में अपन तैयार किए, थाना में तैयार किए, कलवा में तैयार किए, वैसे इस दीवार को छोटा पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। वो मैं गवर्नमेंट से लेके आया था, ये जो नौटंकी चालू है ना अभी नए नए चुनाव के लिए जो गुब्बारे जैसे उड़ रहे हैं उनकी बात में मत जाओ। कुछ नहीं था इधर, ये सुंदर जो दिखता है वो सुंदरता पैसे से आई है। लेकिन सर ये काम मतलब ये जो आप बोल रहे हो कि लोग कर रहे हैं आपके काम को मतलब ओवरटेक किया जा रहा है जबरदस्ती का? ओवरटेक किया है? कौन ओवरटेक करेगा? मतलब ये लोग जो कर रहे हैं अभी के, मतलब हम कर रहे नारे लगा रहे हैं जो इस तरीके से आजकल चल रहा है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अरे भाई तुम समझते नहीं हो यार, चुनाव है ना, चुनावी रणनीति है। चुनाव तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है आपके सबसे। चुनाव के लिए तो कुत्ता भी वो क्या हंस बन जाता है, यहाँ पे वो कुत्ता नहीं कौवा। उसे क्या बोलेंगे, कब तक कंप्लीट होकर काम करें ये मिल जाएगा? मेरा काम चलते ही रहता है, अपना अपना पाँच साल के चुनाव के पहले छः महीने का मेरा काम नहीं है, ये चलते ही रहता है। तो नए नए जो कौवे आए हैं वो हंस के रूप में उड़ रहे हैं, टुक 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 उड़ने दो, चलो जाओ खुदा हाफिज़। आपको सबको दिवाली मुबारक हो।